हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम कृष्णा नायक. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर पॉलीमर. पॉलीमर्स जो है वो दो वर्ड से फॉर्म होता है. ओके, एक हो गया हमारा पॉली और दूसरा हो गया हमारा मर. ओके, ये जो पॉली है उसका मीनिंग होता है मैनी. पॉली का मीनिंग क्या होता है? मैनी. एंड मर्स मीन्स यूनिट. ओके, सो वी कैन से दैट व्हेन एवर सो मैनी स्मॉल यूनिट कंबाइन. ओके, हमारे क्या होंगे? स्मॉल यूनिट्स एंड स्मॉल यूनिट कंबाइन होंगे एंड एक बिग मॉलिक्यूल बिग यूनिट फॉर्म करेगा. ओके, तो उसे बोलेंगे हम पॉलीमर्स. ओके, मीन्स माइक्रो यूनिट. ओके, स्मॉल मतलब यू कैन यूज माइक्रो यूनिट. वो एन टाइम्स लेंगे, वो कंबाइन होके जो मैक्रो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, मैक्रो यूनिट फॉर्म करते हैं. ओके, उसे बोलते हैं हम पॉलीमर. तो ये हो गया हमारा पॉलीमर, जो मैक्रो यूनिट है या फिर बिग यूनिट है. ओके, दैट इज नोन एज अ पॉलीमर. तो ये जो स्मॉल यूनिट या फिर माइक्रो यूनिट है जो रिपीट हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम? मोनोमर. उसे क्या बोलेंगे हम? मोनोमर. मतलब मोनोमर क्या हो गया? तो मोनो का मीनिंग यहाँ पे होता है वन एंड मर मीन्स यूनिट. जो वन यूनिट बार बार रिपीट होके एक मैक्रो मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, उसी को पॉलीमर बोलते हैं. आई बात समझ में? ओके, चलो उसकी डेफिनेशंस लिख लेते हैं हम. पॉलीमर्स किसे कहेंगे? पॉलीमर. तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग सेवरल रिपीटिंग यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑन अ लार्ज स्केल आर कॉल्ड पॉलीमर्स. ओके, मतलब जब सेम यूनिट बहुत सारी बार रिपीट होके एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, एक बड़ा यूनिट फॉर्म करते हैं, उसी को बोलते हैं हम पॉलीमर्स. ओके, तो ये हो गई हमारी पॉलीमर की डेफिनेशन. नाउ साथ में हम मोनोमर की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं. मोनोमर्स. ओके, मोनोमर्स किसे बोलते हैं? द रिपीटिंग यूनिट सिंपल और रिएक्टिव होना चाहिए. ओके, यूनिट्स are known as monomer. ओके, तो ये हो गया हमारा मोनोमर्स. चल, ये मोनोमर किस तरह से जुड़ते हैं? हमने बोला बहुत सारी बार वो एक दूसरे से क्या होते हैं? अटैच होते हैं. तो दिस मोनोमर आर लिंक्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, मोनोमर्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स. ओके, बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स. चलो ना, ये जो हमने देखा यहाँ पे कि स्मॉल यूनिट में से बिगर यूनिट या माइक्रो मॉलिक्यूल में से मैक्रो मॉलिक्यूल फॉर्म करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम पॉलीमराइजेशन. ओके, उसे क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन. तो पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं हम. पॉलीमराइजेशन. ओके, इट इज अ प्रोसेस इन विच पॉलीमर विल बी फॉर्म्ड. ओके, पॉलीमराइजेशन क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स
फ्रॉम रिस्पेक्टिव मोनोमर्स मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ओके, उसे क्या बोलेंगे हम? पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। नाउ एक एग्जांपल के थ्रू हम ये सारी चीजें स्टडी देख लेते हैं। देखो, सपोज कि हमारे पास है यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, इसे क्या कहते हैं हम? इथिन। चलो, उसके एन मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होंगे तो क्या होगा? यहाँ का जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, दूसरा मॉलिक्यूल उससे जॉइंट होता है, फिर तीसरा। उस तरह से CH2 के जो मॉलिक्यूल्स है वो एन टाइम्स एक साथ कंबाइन होते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल है और वो सारे एक ही मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए। ओके, तो ये जो फॉर्म हुआ वो हमारा हो गया पॉलीथीन। ओके, ये क्या है हमारा? पॉलीथीन। ये इथीन जो है उसे हम बोल सकते हैं इट इज अ मोनोमर। ओके, ये पॉलीथीन जो फॉर्म हुआ उसे हम बोल सकते हैं पॉलीमर, और ये जो प्रोसेस है उसे हम बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा पॉलीमराइजेशन, मोनोमर एंड पॉलीमर। नाउ हम उसके क्लासिफिकेशन देखते हैं पॉलीमर्स के। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। ओके, तो पहला उसका क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ओके, वो कहां से ऑब्टेन किया जाता है उसके अकॉर्डिंग उसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया जाता है। ओके, दूसरा क्लासिफिकेशन उसका होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, किस टाइप का उसका स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन होता है। फिर उसका क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर। ओके, मोनोमर किस टाइप के यूज होते हैं उसके बेस पे पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया जाता है। फिर नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ओके, पॉलीमराइजेशन की मेथड किस तरह से है उसके अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन होगा। और लास्ट वो क्लासिफाई होता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स कि उनके बीच में किस टाइप का फोर्स अप्लाई होगा उसके अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन होगा। ओके, तो इन सारे जो हमने ये पांच तरह से पॉलीमर का क्लासिफिकेशन देखा है उसे वन बाय वन हमें डिटेल में स्टडी करना है। ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं सोर्स के अकॉर्डिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स सोर्स के बेसिस पे किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है? तो फर्स्ट सोर्स के बेसिस पे उसे क्लासिफाई किया जाता है नेचुरल पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स किसे बोलते हैं? तो जो नेचर में से ऑब्टेन होते हैं। ओके, सो वी कैन राइट दैट पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेंड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। ओके, फिर वो प्लांट हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, किसी से भी नेचुरल अगर सोर्स में से वो ऑब्टेंड होते हैं तो उसे बोलेंगे हम नेचुरल पॉलीमर्स। ओके, उसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स आर सेल्यूलोस। ओके, प्लांट में वो प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स, दे आर ऑल्सो पॉलीमर्स, स्टार्च। ओके, ये सारे कौन से हैं? तो हमारे नेचुरल पॉलीमर्स हैं रबर, न्यूक्लिक एसिड। ओके, दिस ऑल आर द नेचुरल पॉलीमर्स जो या तो फिर प्लांट में प्रेजेंट है या तो फिर
एनिमल्स में प्रेजेंट है, ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी प्रेजेंट है उसे बोलेंगे हम नेचुरल पॉलीमर्स. नाउ सेकेंड जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स वो है सिंथेटिक पॉलीमर्स. सिंथेटिक पॉलीमर्स, ओके, सिंथेटिक पॉलीमर्स किसे बोलते हैं? तो जो सिंथेसाइज किए जाते हैं, ओके, पॉलीमर्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन इंडस्ट्री आर कॉल्ड सिंथेटिक पॉलीमर्स, ओके, जो टोटली लैब में सिंथेसाइज किए गए हो उसे बोलेंगे हम सिंथेटिक पॉलीमर्स. उसके एग्जांपल देख लेते हैं, तो पॉलीथीन, ओके, फिर हो गया नायलॉन 66 या कोई भी, आप नायलॉन ले लो, ओके, कोई भी नायलॉन. फिर हमारा हो गया रबर, सिंथेटिक रबर, टेरिलीन, जिसे आप पॉलिएस्टर भी बोल सकते हो, टेरिलीन, ओके, तो ये सारे जो है वो हमारे हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स, ओके. नाउ टॉक अबाउट द सेमी सिंथेटिक, थर्ड टाइप इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, ओके. सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स का मीनिंग क्या है? कि वो ऑब्टेन होंगे नेचर्स में से, लेकिन उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करके उसे क्या किया जाएगा, तो उसकी क्वालिटी को मॉडिफाई किया जाएगा, तो उसी को बोलेंगे हम सेमी सिंथेटिक, के नेचर में से ऑब्टेन होके उसके ऊपर हम सिंथेसिस कुछ करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, ओके. तो पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेंड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस बट यूज्ड आफ्टर सम मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, ओके. मतलब सिर्फ हमें मॉडिफिकेशन करना है. तो हमारा जो रेयन है, ओके, उसके एग्जांपल देख लेते हैं. तो पहला है एग्जांपल उसका रेयन. रेयन क्या है? तो सेल्यूलोज का अगर हम एसिडिफिकेशन करें, ओके, उसमें एसिटेट ग्रुप ऐड कर दें, तो सेल्यूलोज एसिटेट फॉर्म होगा, उसी को रेयन बोलते हैं, विच इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर. के सेल्यूलोज नेचर में से एक्सिस्ट करता है, उसके ऊपर एसिडिफिकेशन किया हमने, ओके, एस्टरिफिकेशन, और उसे एसिड टेट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया हमारा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, ओके. उसी तरह से सेल्यूलोज नाइट्रेट, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, ओके, ये सारी चीजें क्या है? तो मतलब जो सेल्यूलोज है उसका नाइट्रेशन कैरिड आउट करो, मतलब नेचर में से जो एग्जिस्ट हो रहे उसकी क्वालिटी को मॉडिफाई करने के लिए, उसमें कुछ प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए, उसके ऊपर जो स्टेप्स कैरिड आउट किए जाते, जो रिएक्शन कैरिड आउट की जाती है, ओके, तो वो दो चीजों का कंबाइन होने की वजह से इट इज नोन एज अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, ओके. तो ये हो गया हमारा पहला टाइप. ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स इट कैन बी क्लासिफाई इनटू 3 क्लास, ओके, नेचुरल, देन सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक. अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ओके, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है फिर से 3 क्लास में, ओके. फर्स्ट वन इज अ लीनियर पॉलीमर्स, जिस लीनियर हो, स्टेप क्या हो उसका, लीनियर हो, उसे बोलेंगे हम लीनियर पॉलीमर्स. पॉलीमर्स विच
polymers which contain long straight chain are called linear polymers. ओके, किस तरह से होते हैं लीनियर पॉलीमर? तो देखो, ये हमारे मॉलिक्यूल्स अगर एक साथ है, ओके, एक स्ट्रेट चेन फॉर्म कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलीमर्स. उसे क्या बोलेंगे हम? ये सारे क्या है, तो एक स्ट्रेट चेन फॉर्म कर रहे हैं, सो इट इज नोन एज अ लीनियर पॉलीमर, जिसमें मॉलिक्यूल काफी नजदीक नजदीक होते हैं. तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा हाई डेंसिटी पॉलीथीन. ओके, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जो अच्छी क्वालिटी की पॉलीथीन आती है, ओके, वो लीनियर पॉलीमर्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो नजदीक नजदीक होने की वजह से क्या होते हैं, तो डेंसिटी बढ़ जाती है. ओके, डेंसिटी बढ़ जाने से उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाती है. तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज टाइप ऑफ लीनियर पॉलीमराइजेशन. ओके, पीवीसी के जो पाइप होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो भी क्या है, तो लीनियर पॉलीमर टाइप का है. उसमें सिर्फ एक स्ट्रेट लॉन्ग चेन होगी मोनोमर्स की. ओके, जो सेकेंड टाइप है हमारा, वो है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर. ओके, ब्रांचिल पॉलीमर्स किसे बोलते हैं? तो पॉलीमर्स इन विच लीनियर पॉलीमर चेन्स हैव सम ब्रांचिंग. ओके, जिस तरह से हमने देखा था कि ये हो गया हमारा लीनियर पॉलीमर. ओके, ये लीनियर पॉलीमर है. अगर उसमें कहीं पे ब्रांच हो गई, ओके, देन इट इज नोन एज अ ब्रांच्ड चेन पॉलीमर. के कहीं कहीं पे भी ब्रांच उसकी फॉर्म हो जाती है. ये तो एक ब्रांच हो गई. ओके, उस तरह से अगर सेम दूसरी ब्रांच यहाँ पे प्रेजेंट होगी, तो ये ब्रांच दूसरी ब्रांच को क्या करेगी? रिपेल करेगी. उस वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? तो लेस हो जाती है. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अ लो डेंसिटी पॉलीमर. ओके, लो डेंसिटी पॉलीथीन इज एग्जाम्पल ऑफ ब्रांच इन पॉलीथीन. ओके, चलो जो थर्ड टाइप है वो देखते हैं हम. थर्ड वन इज क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स. ओके, ये जो है वो सबसे ज्यादा, मतलब उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज होती है. किस तरह से होती है वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. पॉलीमर्स इन विच various monomer chains are joined by strong covalent bonds are called क्रॉस लिंकेज पॉलीमर्स. ओके, मतलब इसमें क्या होगा, तो ये देखो, ये ब्रांच में, यहाँ पे ब्रांच निकली हुई है, लेकिन वो दूसरी ब्रांच से जॉइंट नहीं होती है. जबकि जो क्रॉस लिंकेज या नेटवर्क पॉलीमर्स है, उसमें क्या है, तो हमारे पास ये हो गया एक पॉलीमर. ओके, ये हो गई दूसरी पॉलीमर की चीज. तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं लिंकेज फॉर्म हो जाती है. ओके, ये जो स्ट्रेट चेंज थी वो
वो दूसरी स्ट्रेट चेन से क्या करती है, लिंकेज एक बॉन्ड फॉर्म करती है. ओके, यहाँ पे जो ब्रांच है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं होती है, जबकि ये दोनों लिंकेज एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाती है, तो उसी वजह से उससे नेटवर्क पॉलीमर्स या क्रॉस लिंक पॉलीमर भी बोला जाता है. एंड ये जो है वो काफी स्ट्रांग होता है. ओके, उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. बेकेलाइट, इस चैप्टर में हम इसकी सिंथेसिस भी देखेंगे दोनों की, मेलेमाइन एंड बेकेलाइट की. तब आपको ज्यादा आइडिया आएगा कि क्रॉस लिंक किस तरह से फॉर्म होता है. ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे हमने पहला उसे क्लासिफाई किया लीनियर, दूसरा हो गया हमारा ब्रांच्ड ब्रांच्ड चेन, एंड जो तीसरा वाला था वो है क्रॉस लिंक. ओके, तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर उसे थ्री तरह से क्लासिफाई किया जाता है, सब क्लासिफाई किया जाता है. नाउ अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर, मोनोमर किस तरह के हैं, उसके बेसिस पे उसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर्स, उसका पहला सब पार्ट है होमोपोलीमर्स. होमो का मीनिंग होता है सेम, मीन्स वो पॉलीमर जिसके मोनोमर्स सेम टाइप के हो. ओके, जिसके मोनोमर्स किस टाइप के हो, सेम टाइप के होंगे, उससे बोलेंगे हम होमोपोलीमर्स. पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिंगल सिंगल केमिकल कंपाउंड आर कॉल्ड होमोपोलीमर्स. ओके, देखो मैं आपको रिएक्शन के थ्रू समझाती हूँ. सपोज के हमारे पास जो हमने एग्जांपल देखा कि हमारे पास एन मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन है. ओके, उससे अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है पोलीथीन. ओके, यहाँ पे पोलीथीन में इथिलीन के अलावा कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है. ओके, पोलीथीन जो है हमारा उसमें इथिन के अलावा कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है. सो वी कैन से दैट तो पॉलीथीन इज अ होमोपोलीमर. ओके, उसमें सिर्फ एक ही तरह के जो मोनोमर्स है वो प्रेजेंट है. तो एग्जांपल्स हो जाएंगे उसके, हमारा ये हो गया पॉलीथीन, फिर आता है पीवीसी, ओके, टेफ्लोन, ये सारे जो है हमारे वो एग्जांपल है होमोपोलीमर्स के. ओके, यहाँ पे एक मेन बात और भी है कि ये जो होते हैं उसमें ज्यादातर अनसेचुरेटेड कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं. ओके, इन दिस पॉलीमर मोनोमर इज अनसेचुरेटेड, उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. ओके, दूसरा जो हमारा टाइप है वो है को पोलीमर्स. ओके, को पोलीमर्स, को मतलब डिफरेंट डिफरेंट. ओके, मतलब दो अगर चीज जुड़ती है तो उसे बोलते हैं को पोलीमर्स. ओके, नाउ उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम. द पोलीमर्स मेड बाय द पोलीमर्स मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट मोनोमर्स आर कॉल्ड को पोलीमर्स. ओके, जो हमारा उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर उसकी रिएक्शन भी देखेंगे हम. तो हमारा नाइलॉन, जो भी कोई भी नाइलॉन होगा, ओके, चेरिलिन, या बात करो आप
ब्यूना रबर, ओके ब्यूना एस ब्यूना एन, अब उसकी सिंथेसिस भी देखोगे इन सब की। तो ये सारे क्या है, कोपोलीमर है। किस तरह से कोपोलीमर है वो मैं आपको दिखाती हूँ। नायलॉन सिक्स नायलॉन की हम सिंथेसिस देखेंगे, उसके थ्रू समझेंगे कोपोलीमर्स को। तो यहाँ पे हम नायलॉन में नायलॉन 6-6 का एग्जाम्पल लेते हैं, नायलॉन 6-6। ओके नायलॉन 6-6 जो है वो फॉर्म होता है हमारा एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड एन प्लस हेक्सामिथिलीन डायमाइन, हेक्सामिथिलीन डायमाइन, ओके, और उसमें से फॉर्म होता है नायलॉन 6-6। चलो अब ये एडिपिक एसिड की फॉर्मूला क्या है, तो COOH प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे बॉन्ड CH2 फोर टाइम COOH प्लस हेक्सामिथिलीन डायमाइन, मतलब होता है यहाँ पे NH2 CH2 फोर टाइम, सॉरी सिक्स टाइम, और NH2 हेक्सामिथिलीन है। तो फिर ये हो गया हमारा दो मोनोमर्स, ओके डिफरेंट डिफरेंट दो मोनोमर है वो कंबाइन होके यहाँ पे फॉर्म करेंगे नायलॉन 6-6। कुछ इस तरह से देखो किस तरह से नायलॉन 6-6 फॉर्म होता है। तो यहाँ से होता है OH और यहाँ से एक H, मतलब यहाँ पे माइनस H2O होगा, ओके उसी तरह से यहाँ पे भी OH निकल जाएगा, यहाँ से एक H निकल जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। यहाँ पे रह गया CO, CH2 फोर टाइम, अगेन CO, NH, CH2 सिक्स टाइम एंड NH। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो रिपीट होगा, मतलब यहाँ पे तो डिफरेंट टाइप के जो मोनोमर है वो कंबाइन होके एक फॉर्मूला फॉर्म, एक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, एक पॉलीमर फॉर्म कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ कोपोलीमर। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देयर इज अ रिमूवल ऑफ एनी मॉलिक्यूल, ओके कोपोलीमर में ज्यादातर रिमूवल होता है। और कोपोलीमर किसके बीच में होता है, तो कोपोलीमर में जो मोनोमर है वो डिफरेंट डिफरेंट दो फंक्शनल ग्रुप कंटेन करते हैं, ओके मोनोमर कंटेन्स टू फंक्शनल ग्रुप, ओके दो डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे एसिड है यहाँ पे अमाइन है, तो दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अगर जब होंगे प्रेजेंट मोनोमर के अंदर तभी वो फॉर्म कर सकता है कोपोलीमर, ओके। तो ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर, ओके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेचर के अकॉर्डिंग वो होमो पोलीमर एंड कोपोलीमर दो पार्ट में डिवाइड होता है, ओके। नाउ सी ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोलीमराइजेशन, पोलीमराइजेशन के अकॉर्डिंग वो किस तरह से क्लासिफाई किया जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोलीमराइजेशन, पोलीमराइजेशन किस तरह से कैरिड आउट होता है उसके बेसिस पे भी उसे दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, ओके। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है एडिशन पोलीमर्स, ओके। चलो एडिशन पोलीमर्स किसे बोलेंगे हम, तो पॉलीमर फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड मोनोमर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एडिशन पोलीमर्स, ओके। जैसे कि हमने अभी अभी इथिलीन को देखा होमोपोलीमर में, तो वो क्या, तो हमारा एडिशन पोलीमराइजेशन का भी एग्जांपल हो जाएगा कि जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होगा सिर्फ ऐड होगा,
ओके, तो पॉलीथीन इज अ एग्जाम्पल ऑफ एडिक्शन पॉलीमर्स. ओके, पीवीसी इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एडिक्शन पॉलीमर, मतलब जिसमें कोई मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होता है, सिर्फ ऐड होता है. दे आर नोन एज अ एडिशन पॉलीमर्स. जो हमारे होमोपोलीमर्स है वो मोस्टली एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू ही जो फॉर्म होते हैं. ओके, सो वी कैन राइट दैट होमोपोलीमर्स आर मोस्टली होमोपोलीमर्स आर मोस्टली एडिशन पॉलीमर्स. एडिशन पॉलीमर्स, आई बात समझ में? चलो दूसरा हम देखते हैं, उसका जो पार्ट है वो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और पॉलीमर्स. ओके, चलो कंडेंसेशन पॉलीमर्स किसे बोलते हैं उसकी डेफिनेशन दिख लेते हैं. द पॉलीमर्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन different bifunctional monomer units usually with elimination of small molecules such as water, alcohol, carbon dioxide, okay, hydrogen chloride HCl, etc. Okay, they are known as a कंडेंसेशन पॉलीमर्स. ओके, मतलब कि जब पॉलीमर फॉर्म होगा तब दो डिफरेंट मोनोमर प्रेजेंट होंगे, और प्लस जब वो दोनों एक दूसरे के साथ कंडेंस होंगे तो कोई एक स्मॉल मॉलिक्यूल को वो एलिमिनेट करेगा, रिमूव करेगा. देखो यहाँ पे हमने नाइलॉन 6-6 में देखा, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन रिमूव हो रहा था. ओके, और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के पास दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो वो जब बाय फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स जब कंबाइन होंगे और पॉलीमर फॉर्म करेंगे, तब कोई स्मॉल मॉलिक्यूल को, यहाँ पे H2O हो सकता है, HCl हो सकता है, CO2 और फिर अल्कोहल, ऐसे कोई स्मॉल मॉलिक्यूल को अगर वो रिमूव कर रहा है, देन दैट टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर नोन एज अ कंडेंसेशन पॉलीमर्स. ओके, तो जो एग्जांपल है वो यहाँ पे हो जाएंगे नाइलोन. ओके, देन टेरिलिन, ये सारे जो हमारे है वो क्या हो जाएंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर्स. तो वी कैन से दैट co polymers are mostly condensation polymers. ओके, चल मतलब यहां पे हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन अगेन वो दो टाइप में क्लासिफाई होता है. ओके, यहाँ पे एडिशन एंड दूसरा हो जाएगा कंडेंसेशन. ओके, चलो अब ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये लास्ट क्लासिफिकेशन है हमारा, उसके अकॉर्डिंग कैसे वो क्लासिफाई होता है वो देखते हैं हम. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस. ओके, मॉलिक्यूलर फोर्सेस के अकॉर्डिंग उसका फर्स्ट सब पार्ट है इलास्टोमर्स. ओके, इलास्टोमर्स किसे देखते हैं उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, आफ्टर दैट उसे डिस्कस करते हैं. ओके, तो पॉलीमर्स
in which the polymer chain are held together by very weak intermolecular forces. ओके उसे बोलेंगे हम क्या, इलास्टोमर्स. मतलब कि मेन चीज यहाँ पे हो गई वेरी वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस. अगर फोर्सेस वीक है देन दे आर नोन एज अ इलास्टोमर्स. ओके हम इलास्टिक वर्ड यूज करते हैं. इलास्टिक जिसके पास मतलब अगर हम उसे स्ट्रेच करें लेकिन टूटे ना, जैसे कि रबर हो गए. ओके उसे आप अगर खींचोगे स्ट्रेच करोगे तो वो टूटेंगे नहीं. ओके उसके बीच का जो फोर्स है वो क्या होता है, कम होता है. तो उससे वो क्या करते हैं तो खींच सकते हैं, स्ट्रेच हो सकते हैं. दे आर नोन एज अ इलास्टोमर्स. ओके जो भी हमारे रबर्स है दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इलास्टोमर्स. ब्यूना एल. ओके ये सारे जो है हमारे सेमी सिंथेटिक रबर्स है, दे आर नोन एज द इलास्टोमर्स. सॉरी सिंथेटिक रबर्स है, दे आर सिंथेटिक रबर्स. फोर्स के अकॉर्डिंग एक पहला पार्ट हमने देखा था इलास्टोमर्स, दूसरा जो है वो है फाइबर्स. ओके इलास्टोमर्स में वीक इंटरेक्शन फोर्स था तो फाइबर्स में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा. ओके पॉलीमर्स इन विच द पॉलीमर चेन्स are held together by strong intermolecular forces are called fibers. ओके उसे क्या बोलेंगे हम, फाइबर्स बोलेंगे. नाउ उसके एग्जांपल्स देख लो तो नाइलॉन, ओके टेरिलिन, आपके जो भी क्लोथ्स है उसमें जो है वो क्या है तो स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन फोर्स है. अगर आप उसे स्ट्रेच करते हो तो वो इजीली फटता नहीं है, और अगर वो एक बार फट गया ओके तो वो मतलब उसके पास इलास्टिसिटी नहीं है. तो जो क्लोथ्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है जो कि इजीली टूटता नहीं है. ओके और अगर टूट गया तो वो उसमें मतलब इलास्टिसिटी नहीं है. ओके रबर के जैसे. तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. एंड नाउ द थर्ड वन इज द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स. ओके दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. ओके थर्मोप्लास्टिक किसे बोलते हैं, तो पॉलीमर्स विच आर कैपेबल ऑफ सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड Hardening on cooling. Are thermoplastic polymers. Okay, देखो ध्यान से समझो कि उस टाइप के पॉलीमर जिसे हीट करने पे वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं. और फिर आप जिस भी शेप में साइज में उसे मोल्ड करना चाहो ओके तो उसे रिमोल्ड कर सकते हो. तो ऐसे पॉलीमर्स को हम बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स. जैसे कि हमारी पॉलीथीन हो गई ओके वो रीयूजेबल है, मतलब थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर रीयूजेबल. वी कैन से दैट दे आर रीयूजेबल
पॉलीमर्स ओके, जिसे हम फिर से हीट करके मोल्ड कर सकते हैं और किसी भी साइज शेप में उसे फिर से रिमोल्ड कर सकते हैं, तो उस पॉलीमर्स को बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स इज पॉलीथीन, रबर, पॉलीस्टाइरीन ओके, पॉलीस्टाइरीन, रबर, ये सारे हमारे क्या है तो थर्मोप्लास्टिक टाइप के पॉलीमर्स है ना। सी द लास्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस इज थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स ओके। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स किसे बोलते हैं, तो इससे बिल्कुल अपोजिट, थर्मोप्लास्टिक से बिल्कुल अपोजिट, ये क्या है, रीयूजेबल है, रीमोल्डेड है, जबकि ये फिर से रिमोल्ड नहीं हो पाएगा ओके। पॉलीमर्स, पॉलीमर्स विच कैन नॉट, विच कैन नॉट बी रिमोल्डेड, रीमोल्डेड रिपीटेडली आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, उसे क्या बोलेंगे हम, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हो जाएगा हमारा बेकेलाइट, मेलेमाइन ओके, जो क्रॉसलिंक पॉलीमर्स है वो रिमोल्डेबल नहीं होते हैं, तो ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस ओके, के मॉलिक्यूलर फोर्स किस तरह का है उसके बेसिस पे उसे हमने फिर से फोर टाइप में क्लासिफाई कर दिया ओके। फर्स्ट था हमारा कौन सा, इलास्टोमर, देन फाइबर, देन थर्मो प्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग ओके। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स थ्री टाइप होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर फिर से थ्री पार्ट में डिवाइड होता है, लीनियर, ब्रांच एंड क्रॉसलिंक। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर दो पार्ट में डिवाइड होता है, होमोपोलीमर, कोपोलीमर। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन फिर से दो पार्ट में डिवाइड होता है, एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस इट इज सब डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। तो यहाँ पे पॉलीमर्स क्या है और उसका जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे खत्म होता है। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीमर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।